जेड आर डेविल और निंजा नाम है भाई, आ जाओ इवेंट पे आ जाओ। जेड आर डेविल और निंजा बहुत शो। ओए होए ठीक है तरीका, और आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या हाल चाल हैं यार। आई होप आप लोग खैर खैरियत नाल होंगे, मज़े में होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे अपने लाइफ को। तो यार आपने शुरू में बातें सुन ली हैं कि भाई साहब हमारा नाम है, आ जाओ इधर आ जाओ, ये करो। जिन्होंने चैलेंज दिया भाई साहब खुद यहाँ पे नहीं आते, अभी नहीं आते भाई साहब, बाद में आएंगे वो भी, डोंट यू वरी अबाउट इट यार। मतलब कि इसमें क्या मज़ेदार खेल निकले हैं। सर मैं यहाँ पे पुश करवा देता हूँ इस बंदे के ऊपर, लेकिन ये बंदा गलत सीन करता है, वो मेरी वाली साइड पर चला जाता है, मैं उसके वाली साइड पर आता हूँ तो वापस वो आता है। मैंने कहा चलो आ जाओ फिर, मैं नहीं जाता अपनी वाली साइड पे। तो जहाँ पे इसको बेचारे को एक गलत शेड लग जाता है, इसको मैं यहाँ पे नोक और साथ ही फिनिश करवा देता हूँ। लग गया तो इसका दूसरा बंदा भी आ जाता है, मैंने कहा चलो आ जाओ भाई आपके भी किल उठा लेते हैं, हमें तो किल से मतलब है भाई। वो यहाँ पे इसको भी फिनिश करवा देता हूँ लगे हाथ, और यहाँ पे सामने मैं ना जब तक किट मारता हूँ ना, और सॉरी बंदे को फिनिश करवाता हूँ, सामने आ जाते हैं दो अलग बंदे। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर दी, फाइट थोड़ी लंबी थी तो मैंने कहा चलो स्पीड तेज़ कर देते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा यू नो पैनिक हो जाता हूँ, पता नहीं क्यों हो जाता हूँ, क्योंकि यार थोड़ा ना नेट का इशू चल रहा है आपको पता है पूरे पाकिस्तान में। तो यहाँ पे मैंने कहा पिंग ना हाई हो जाए बस, बाकी खैर है सारा कुछ। तो यहाँ पे इस बंदे को मैंने नोक और फिनिश करवा दिया, जो इसका सारा टीममेट आ रहा था ना वो पता नहीं कहीं गैर हो गया। जब तक मैंने यहाँ पे किट मारी ना भाई, जब सामने अलग ही बंदे आ जाते हैं, और यहाँ पे ना चेक करो भाई साहब बेला और इसका नाम निंजा, जिन्होंने हमें चैलेंज दिया निंजा भाई, इसको मैंने यहाँ पे पकड़ लिया। ठीक है, साथ इसकी ये दोस्त भी थी बेला, बेला पता नहीं लड़की लड़का जो भी, आई डोंट केयर अबाउट इट ब्रदर। तो यहाँ पे इनको नोक और फिनिश करवा दिया मैंने, और साथ ही यहाँ पे ना एक और बंदे का साउंड आना शुरू हो जाता है कि यहाँ पे एक और बंदा है, मैंने कहा जितने बंदे उतने कम है। तो यहाँ पे सामने चेक करो भाई साहब, मज़े में लूट कर रहा है भाई, पीछे तो देख लीजिए। यहाँ पे मैं इस भाई को नोक करवाता हूँ, भाई का क्या नाम है, संसती क्या नाम है, सेंस पता नहीं क्या नाम है यार, छड्डो जान दो अपने नुकी। तो यहाँ पे सामने एक बंदा होता है, मैं पहले नेट ट्राई करने लगता हूँ, मैंने कहा चलो छड्डो यार नेट क्या जाया करना, सामने पुश करवाते हैं इस बंदे को, इसलिए मार देते हैं। और जहाँ पे मैं जाता हूँ वैसे भी इसको पीछे से पड़ जाती है, तो यहाँ पे एक गलत सीन हो जाता है बेचारे के साथ। यहाँ पे मैं लूट ही कर रहा होता हूँ कि भाई साहब तब तक ना यहाँ पे वो बंदे आ जाते हैं जिन्होंने हमें दिया होता है चैलेंज। मैंने कहा भाई साहब लगे आता आप भी आ जाओ, आपका भी देख लेते कितने का प्रो प्लेयर आप लोग। तो यहाँ पे पूरी गाड़ी आती है, पूरे चार बंदे होते हैं यहाँ पे, पहले को मैंने नोक और फिनिश करवा दिया, मैंने कहा भाई साहब रिवाइव ना हो जाए यहाँ पे। दूसरे बंदे को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लो कर दिया, ठीक है, लेकिन एक दो बुलेट ही लगी यहाँ पे, ये लो हो जाता है। मैंने नंबर टू नंबर वन भाई जान तो मेरी तारीफ कर करके ना मतलब कि मुझे खुशी कर दिया, मुझे बार बार कह यार क्या मारा है भाई, क्या मारा है, क्या मारा है, क्या ही बचाया मुझे। मैंने कहा अच्छा अच्छा भाई ओके थैंक यू, बस दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरा, बस कर जाए यार रुलाई का क्या पगले। तो यहाँ पे एक और बंदा आता है इनका, जो हवा में उड़ता है, पंछी बनू उड़ती फिरूँ मस्त गगन में। तो यार यहाँ पे वाला सीन हो जाता है, यहाँ पे दो बंदे इनके मैंने इजीली डाउन कर दिए, एक को मैंने फिनिश करवा दिया, एक नोक पड़ा है। यहाँ पे इनका तीसरा बंदा चेक करो भाई, हवा में सारे हवा में उड़ना चाह रहे हैं, यू नो पापा की परियां बनना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे इस बंदे को भी कहीं और से पढ़ना शुरू हो जाती है, मैंने कहा चलो तू भाई फिनिश ही हो सीधा सीधा। तो यहाँ पे इनके मैं तीन बंदे फिनिश करवा चुका हूँ, जेड आर डेविल इसने भी हमें चैलेंज दिया होता है। यहाँ पे इनका लास्ट बंदा आता है, क्या नाम है, हुन्ना राम ही, अच्छा ओके भाई यार राम ही राम ही तनु राम ही। तो यहाँ पे हमारे यार चेक करो इवेंट में 11 किल हो जाते हैं, मैं इवेंट से बाहर ही आता हूँ तो यहाँ पे मुझे साउंड आता है बंदे का। यहाँ पे मैंने इसको नोक किया, इसको फिनिश करवाने लगता हूँ, साथ ही साउंड आता है मेरे पास भी एक बंदा है। तो यहाँ पे ये पुश करवाता है भाई साहब, हमारे हाथ में ग्रोजा गार्ड गन इसको कहते हैं पबजी मोबाइल के अंदर, भाई साहब बहुत लेवल गन है, मैं कहता हूँ चार्ज करवा देती है। एक ये गन और एक है डांग, डांग हाउ ब्रांड की डांग, समझ रहे हो ना क्या बात है बाबा जी, दो गन की तो मज़े ही, मैं कहता हूँ मज़े ही बड़े हैं। तो यहाँ पे लगे हाथ इसका एक और बंदा लैंड हो जाता है, और ये जो दो बंदे हमने अभी मारे हैं ये भी दोबारा यहाँ पे लैंड होने वाले हैं। मैं यहाँ पे एक पट्टी मार के सीधा पुश करवा देता हूँ, मैंने कहा पुश करवाते हैं किल लाजमी चाहिए। तो यहाँ पे आपका भाई सीधा पुश करवाता है, और भाई साहब इस पे ने ना क्या गलत डैमेज दिया, मैं कहता हूँ भाई साहब लेवल गेम थी इस बंदे की। यहाँ पे चेक करो अकल का इस्तेमाल कर रहा है लोंडा यहाँ पे, तो यहाँ पे हाँ क्या बात है, लोंडे ने अकल इस्तेमाल किया, लेकिन हमारे हाथ में ग्रोजा होती है, अगर मेरे हाथ में कोई और गन होती तो मे बी मैं यहाँ पे डाउन हो जाता। तो यहाँ पे एक बंदा पीछे आके नंबर वन भाईजान को नोक करवाता है, मैं कहता हूँ क्या बात है, इसने मेरी इतनी तारीफ की है जितनी मैं कहता हूँ पूरी पबजी में किसी ने नहीं की होगी। तो यहाँ पे इसका जिस बंदे ने इसको नोक कराया नंबर वन भाई को, मैंने उसको भी नोक करवा दिया, एक बंदे को मैंने यहाँ पे फिनिश करवा दिया। जैसे मैं यहाँ पे ना इसको रिवाइव देने जा रहा होता हूँ, साथ ही पीछे से एक और बंदा आ जाता है, मैंने कहो भाई तो फड़ी 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 नू फड़ी ओए। तो यहाँ पे इस बंदे को भी यहाँ पे नोक मैंने करवा दिया, लगे हाथ इसको यहाँ पे फिनिश भी करवा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे इसको फिनिश करवाने के बाद ना एक और बंदा आता है पीछे, जिसको मैंने नोक किया था M4 से, वो बंदा यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे चेक करो, मैंने हाथ रखा भाई, कसम से हाथ रखा था, लेकिन भाई साहब ये बंदा यहाँ पे नहीं बच पाता, आई डोंट नो वाई, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो यहाँ पे ये भाई मर जाता है, और यहाँ पे इनका लास्ट बंदा आता है, और यहाँ पे हो जाता है हमारा स्क्वाड वाइप यहाँ पे।
अल्हम्दुलिल्लाह सतारा की रिस्ट मैच में हो जाते हैं वैसे तो। तो यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्लच के ऊपर आते हैं, क्लच क्लच भी है और यहाँ पे एक बंदा होता है भाई साहब, इसका नाम चेक करो, जानू आईटी, ठीक है। मुझे नहीं पता भाई यूट्यूबर हैं या नहीं, मैं अगर लाइट आए ना जब वीडियो अपलोड करने से पहले मैं चेक करूँगा, अगर भाई यूट्यूबर हुए वाकई तो इनको मैंशन भी मार देंगे नीचे, कोई हेट वाला सीन नहीं यार सारे भाई हैं, ठीक है। तो ये चेक करो भाई साहब नेट का क्या सीन चल रहा है आज के दिन पाकिस्तान में, क्योंकि आपको पता है सब कुछ क्या चल रहा है आजकल पाकिस्तान में, इंटरनेट तो माशाल्लाह से वैसे ही नहीं चल रहा। मेरा दोस्त ने भी फ़ोन किया, एडिटिंग कर रहा था तो कह रहा था यार क्या हुआ है तेरा वाईफाई चल रहा है, मैंने कहा भाई सब लाइट बंद है कैसे चलेगा वाईफाई, वैसे चल रहा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्लो है, टिकटॉक वगैरह नहीं चल रही, उसके लिए VPN यूज़ करना पड़ेगा, आप सबको पता है, बल्कि आप यूज़ भी कर रहे होगे VPN, सिर्फ टिकटॉक के लिए करो VPN यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे सामने एक बंदा आता है, तीन बंदे यहाँ पे इनके मैंने डाउन कर दिए और यहाँ पे तीन ही बंदे होते हैं, इसके बाद यहाँ पे कोई बंदा नहीं रह जाता, ये सारी जगह वेली हो जाती है। तो इनको फिनिश करवाने के बाद आपका भाई आ जाता है दोबारा इवेंट के ऊपर, ठीक है। इवेंट के ऊपर सबसे पहले एक बंदा नोक किया, दूसरा इसका फिनिश ऑफलाइन होता है। मैंने कहा भाई सोने पे सुहागा, हमें तो किल क्यों मतलब है यार, आप आओ जितने बंदे ला सकते हो लाओ साथ अपने। तो यहाँ पे इनका एक और बंदा होता है जो कि मेरे साथ वाले घर में होता है, लेकिन उससे पहले मुझे ये बंदा ऊपर मस्तियाँ करता हुआ नज़र आ जाता है। मैंने कहा भाई सब तेरी मस्तियाँ निकाल लेते हैं। और यहाँ पे एक और यूट्यूबर भाई सब, यूट्यूबर नाम है इसका भी, तो यहाँ पे आपका भाई पंछी बन उड़ती फिर करके ऊपर आ जाता है। और यहाँ पे सामने एक बंदा जा रहा था, इसने एक बंदा नोक किया होता है इस घर के अंदर ना, मैंने भी इसको नोक किया, ठीक है। ये सीन यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि ये किल मेरा हो जाता है, यहाँ पे चोरी मुझे आ जाता है, गुस्सा आएगा तो फिर आपको पता है मैंने क्या करना है। ये देखो तो भाई साहब मेरा किल चोरी हो गया, लगी हाथ यहाँ पे सामने जो जिस बंदे ने इसको फिनिश दिया मुझे नज़र आ जाता है। मैंने कहा भाई साहब रुको, इसको यहाँ पे जैसे ही मैंने नोक दिया ना सामने से इसका एक बंदा आ जाता है, उस बंदे का जहाँ पे इसको मैंने नोक किया दस्ती फिनिश करवाता हूँ। मैंने कहा भाई साहब फिनिश हो तू नुमा दासना एडे तुम प्रो प्लेयर। तो यहाँ पे मैंने स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी क्योंकि यहाँ पे नेड मोलियों वाला प्रोसेस शुरू होने वाला है और वीडियो थोड़ी सी वैसे लंबी हो चुकी है। मैं पहले परेशान था कि भाई साहब कोई वीडियो है ही नहीं मेरे पास पड़ी हुई, लेकिन जब मैंने आकर देखा गैलरी में और सोचा अरे भाई साहब इतनी वीडियो तो बना के रखी है और क्या करोगे यार। तो यहाँ पे सीधा पुश करवाता हूँ इन बंदे के ऊपर, ये दो ही बंदे होते हैं यहाँ पे, एक को तो वैसे ही नोक पड़ा है, ठीक है, दूसरा बंदा रह जाता है यहाँ पे। इसके ऊपर पुश करवा के इजीली इसको भी यहाँ पे डाउन करते हैं और यहाँ पे इसी तरह हमारा इवेंट भी हो जाता है इन कैंपरों से फ्री। और यहाँ पे ना एक बंदा रह जाता है, ठीक है। इस बंदे को ना मैं कहता हूँ लेवल गेम थी बंदे के, लेकिन ना ओ हो चेक करो दोनों पता नहीं क्या पैनिक वाला सीन हो गया यहाँ पे, लेकिन इस बंदे को यहाँ पे मार दिया। अच्छा प्लेयर था नो डाउट यार अबाउट इट, क्योंकि अच्छा प्लेयर था ना पता लग जाता है। तो जाते जाते मैंने कहा आपको एक आधा क्लच भी दिखा देना चाहिए, 1v4 की सिचुएशन होती है वैसे, ये भी यूट्यूब वाला नाम रखा है, हर बंदे ने यूट्यूब वाला नाम रखा हुआ है। तो यार अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, मेहरबानी कर दो ना। तो यार व्यूज़ नहीं आ रहे, मैं ट्राई कर रहा हूँ अपनी तरफ से ना गेम प्ले, आप चेक कर लो यार काफ़ी अच्छे हैं, जोनाथन जैसे तो गेम प्ले रख रहा हूँ भाई साहब क्या करूँ। और मैं बस जोनाथन भाई अच्छा प्लेयर है नो डाउट यार, आप सब लोग शायद जानते ही होंगे जोनाथन बहुत फेमस बंदा है यार, बहुत ही फेमस बंदा है। तो उस जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ, वैसे उस जैसे गेम प्ले मेरे पास हैं, चेक करो भाई साहब क्लच पे क्लच तो मारी जा रहे हैं और क्या करना है। तो यहाँ पे जिस बंदे को हमने सबसे पहले डाउन किया ना भाई साहब, उसको रिवाइव दी नहीं बंदों ने, यहाँ पे आपका भाई ना इसका लास्ट बंदा भी यहाँ पे पुश करेगा, इसको भी इजीली यहाँ पे डाउन कर देंगे। अगर वीडियो में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं कल नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू।